और एक यहाँ के SHO का थाना है कि जो इनके लेवल पर ही सारे फैसले हो रहे हैं। अनेकों दस्तावेज हमें मिले हैं, हमने ले लिए अपने कब्जे में, जिनकी कार्रवाई नहीं की है। बहुत सारी FIR की कॉपीज भी मिली है, वो भी हमने अपने रिकॉर्ड में लिए, जो कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था उनको देनी चाहिए थी, उनको नहीं दी गई है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। और टोटल कितने सस्पेंड हैं? एक SHO नरेश चंद्र, एक मुंशी, क्या नाम है मुंशी का, वरिंदर, एक हेड कांस्टेबल, और तीन आदमी वो जिनके हथियार हैं जी। अब वो ये इन्वेस्टिगेशन में हंडा साहब बताएंगे कि किस किस के हथियार थे। हथियार हमने SP साहब को हैंडओवर कर दिए कि ये हथियार यहाँ पर अनअटेंडेड पड़े हुए हैं, और कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी अंदर थाने में आके हथियार उठा के कोई कार्रवाई कर सकता है, तो वो हमने SP साहब को दे दिए हैं। SP साहब उनका फाइंड आउट करेंगे कि ये किस किस के हथियार थे, कौन कौन लड़के किया था, और उनके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो तो करेंगे ही, लेकिन सस्पेंड में अभी करेंगे।